स्टार लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। हाई मॉडल्स में आपको यहाँ पर रडार एमजी में से स्टार्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। टॉप एंड वेरिएंट्स में कैमरा देखने को मिलता है। इसमें फोर सिलेंडर इंजन और इधर साइड आपको इसमें रिक्वेस्ट सेंसर देखने को भी नहीं मिलेगा। चारों में डिस्क देखने को मिलने वाले हैं। हुडलेट आपको ओपन करनी है तो कुछ नहीं, ये ओपन करेंगे। फेरारी इंस्पायर्ड आपको यहाँ पर एयर वेंट्स देखने को मिल जाते हैं और ये ऑन हो गया रोड टू लाइफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो पे द ऑटो स्टूडियो पे। ये है आपके सामने MG Aster सुपर मॉडल, जो अगर इसके प्राइसिंग की बात करी जाए तो 12.5 लाख एक शोरूम पड़ता है, और एस्टर की और बात करी जाए तो 10.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है और 18,70,000 रुपये इसकी टॉप मॉडल की प्राइस है। 18 वेरियंट्स ऑफर करे जाते हैं। क्रेटा सेल्टोस कुशाक टाइगुन को ये टक्कर देती है और मेरे ख्याल से सबसे लेंथ में बड़ी भी है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। दो पेट्रोल इंजन मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस पैक और एक नॉर्मल 1500 cc का। तो इसी के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले मोर अपडेट्स के लिए। सो इफ वी टॉक अबाउट हेड यूनिट, तो आपको कुछ ऐसी हेड यूनिट देखने को मिलने वाली है जिसमें कुछ ऐसा स्टार लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। हाई बीम लो बीम इसमें मिल जाता है और दिस इज़ DRL जो बहुत सुंदर लगती है देखने में। और नीचे फॉग लैम्प आपको हेलोजन बेस मिलने वाली है। ऐसा कुछ आपको पैटर्न देखने को मिल जाएगा, हेक्सागन पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है। यह आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत देखने को लगता है। और हाई मॉडल्स में आपको यहाँ पर रडार एडास के लिए देखने को मिल जाएगा। हनीकॉम ग्रिल देखने को मिल जाती है। स्किड प्लेट आपको ग्लॉस सैटन ग्रे फिनिश में मिल जाएगी देखने को। और यहाँ पर भी आपको ऐसा लगेगा कि MG में से स्टार्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कूल। यहाँ पर टॉप एंड वेरिएंट्स में कैमरा देखने को मिलता है, इसमें नहीं देखने को मिलता। देन दिस इज सॉर्ट ऑफ सैटन ग्रे फिनिश और कुछ भी कह सकते हैं। टोक के लिए जगह देखने को मिल जाती है और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में MG का लोगो। एंड दिस इज ब्यूटिफुल यार। तो ओवरऑल देखा जाए जो ग्रिल है ना, बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रही है। और अगर इसके कंपटीशन की बात करें तो क्रेटा को ये कॉम्पीट करती है। और इसका हुड ओपन करके देख लेते हैं। हुड को ओपन करने के लिए पहले इसको पहले बंद कर देते हैं और इसको कर देते हैं ओपन। सो इसमें दो इंजन ऑप्शन ऑफर करे जाते हैं, एक 1.3 पेट्रोल थ्री सिलेंडर पेट्रोल जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड है, और ये है 1.5 पेट्रोल DVT। तो दिस इज़ फोर सिलेंडर इंजन प्रोड्यूसिंग समवॉट अराउंड 110 PS पावर एंड 145 Nm टॉर्क। तो ये नॉन टर्बो इंजन है, एक 1.3 टर्बो इंजन भी आता है। इंसुलेशन आपको प्रॉपर देखने में मिल जाएगी इसके अंदर, बैटरी पैक वगैरह सब चीज़ आपको देखने में मिल जाती है। प्रॉपरली पैक्ड इंजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फ्यूल एफिशिएंसी राइड ऑन हैंडलिंग क्वालिटी पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। वाइपर आपको नॉर्मल देखने को मिलने वाले हैं, आप देख सकते हैं। और जो ORVM पे इंटीग्रेटेड है इंडिकेटर जो कि हेलोजन बेस्ड है। 360 व्यू के लिए कैमरा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है आपको। और इधर साइड आपको इसमें रिक्वेस्ट सेंसर देखने को भी नहीं मिलेगा। और समवॉट अराउंड 200 mm के आसपास आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलने वाली है। चारों में डिस्क देखने को मिलने वाले हैं। और अलॉय व्हील्स का साइज़ अगर देखा जाए तो 17 इंच का अलॉय व्हील है सिंगल टोन, और रबर साइज है 215/55/8/17 का। आपको इसमें सीएट का सिक्योरा ड्राइव देखने को मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है और कंपटीशन जो है वो क्रेटा को करती है पीछे से। और ऊपर बात करी जाए तो फंक्शनल आपको रूफ रेल देखने को मिलने वाला है, शार्क फिन एंटेना, और छोटा सा एक आपको क्वार्टर पैनल देखने को मिलने वाला है। देन पीछे टेल लैम्प की बात करी जाए तो ऐसी कुछ LED बेस्ड टेल लैम्प है, और ZS EV की बैजिंग हो गई विथ एस्टर बैजिंग, MG का लोगो हो गया। और डिफॉगर आपको मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं, रियर विंडशील्ड डिफॉगर हो गया, और हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, एंड दिस इज़ स्पॉइलर, और शार्क फिन एंटेना हो गया आपको देखने को मिल जाता है, एंड वाइपर ये आप देख सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, एस्टर की बैजिंग हो गई। Volkswagen टाइप आपको स्टाइलिंग आपको देखने को मिल जाती है। अगर बूटलेट आपको ओपन करनी है तो कुछ नहीं, ये ओपन करेंगे। 443 लीटर की आपको बूट स्पेस देखने को मिलने वाली है इसमें, ये आप देख सकते हैं। पार्शल ट्रे आपको देखने को नहीं मिलेगी लेकिन आप खरीद सकते हैं, और इल्यूमिनेशन आपको देखने को मिल जाती है। और नीचे आपकी बात करें तो 215/60/8/16 का आपको स्टील रिम देखने को मिलने वाला है विथ टूल किट, ये आप देख सकते हैं, कुछ जगह मिल गई है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, सामान रख सकते हैं अपना पर्सनल सामान, सीक्रेट सामान जो होता है। 60-40 स्प्लिट्स आपको देखने को मिल जाता है, और इधर से आप ग्रैब हैंडल की मदद से इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और इफ़ वी टॉक अबाउट पार्किंग सेंसर, तो आपको जो सेंसर मिलने वाले, तीन पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और जो डिपार्चर एंगल है वो काफ़ी खूबसूरत लगता है, और स्किड प्लेट भी काफ़ी अच्छी लगती है। और ये फेक डिफ्यूज़र हैं लेकिन काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में, कूल। पीछे से प्रोफाइल काफ़ी अच्छी लगती है, और
फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 48 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलने वाली है। आइए चलते पीछे वाले रो में देख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है। फैब्रिक अपहॉल्सी आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर, और दो एयरबैग सिक्योरिटी में मिल जाते हैं, एंड डुअल कंट्रास्ट में आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है। सेकंड बेस मॉडल में भी आपको यहाँ पर लेदराइट स्टिचिंग मिलने वाली है, मतलब जो सॉफ्ट टच मटेरियल विद लेदराइट स्टिचिंग, और ये डोर ओपनर विंडो कंट्रोल, सॉरी दिस इज विंडो कंट्रोल, और यहाँ पर 500 ml की आप बॉटल होल्ड करवा सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंसर्ट मिल जाता है जो कि सैटन ग्रे है। डोर ओपनर काफ़ी सॉलिड फील हो रहा है, और इसको करते हैं बंद तो एक तरीके से सिक्योर टी आपको फील करा देती है क्योंकि भारी है। और ये है नी रूम, एडिक्वेट है, और हेडरूम की बात करें तो ये देखिए ये है हेडरूम, तो एडिक्वेट है, ज़्यादा मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ठीक है। और दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, और ये है आपका हैंडरेस्ट, ये आप देख सकते हैं, और हैंडरेस्ट भी काफ़ी बढ़िया है, ये आप देख सकते हैं ओपन हो जाता है। मैं आपको ये देखिए ये बंद हो गया, और सीट बेल्ट तीन मिल जाती हैं ISOFIX माउंट्स के साथ, और यहाँ पर आपको दो वेंट्स देखने को मिलने वाले हैं विथ ग्लॉसरी ट्रीटमेंट, और टाइप ए के दो पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर हम दे दिया गया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो तीन लोग बैठ तो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग जर्नीज के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को। और पीछे से डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखने वाला है, तो चलते हैं आगे और मैं आगे आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, यहाँ पर फाइल वगैरह रखने के लिए जगह दे दी गई है, और तो और यहाँ पर एसी वेंट्स हो गए। ऊपर रीडिंग लाइट पीछे आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन आगे देखने को मिलती है। तो आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कि आगे क्या सिस्टम रहने वाला है पूरा। तो चलिए डोर खोलते हैं और आगे चलते हैं। नो रिक्वेस्ट सेंसर इधर साइड, और ये देखिए ये काफ़ी बढ़िया लग रही है, ठीक है। और डोर काफ़ी हैवी है, और मैनुअली आप एडजस्ट कर पाएंगे सीट रिक्लाइनर और हाइट एडजस्ट को, और फोर विंडो कंट्रोल्स विद लॉक अनलॉक का फीचर आपको मिल जाता है सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ, स्टिचिंग वाइट में मिल जाती है, और ये सैटन ग्रे है। डोर लॉक अनलॉक का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है, एज अ फोक्सवैगन ग्रुप में जैसे दिया जाता है वैसे ही वैसे। और डोर ओपनर काफ़ी सॉलिड फील होता है, और फूड ओपनर और फ्यूल लिड भी आपको यहाँ पर ओपन करने के लिए ऑप्शन दे दिया गया है। चलते हैं अंदर और अंदर बात करते हैं सारी। ये है फरारी इंस्पायर्ड, आपको यहाँ पर एयर वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। एस्टर में मेरे को खूबसूरत चीज़ यही लगती है एक, और यहाँ पर टॉप मॉडल में यहाँ पर AI बॉट भी है MG का, और ये सॉफ्ट टच मटेरियल आपको देखने को मिल जाता है विद ब्लैक स्टिचिंग, डिफॉगर आपको देखने को मिल जाता है, और तो और नीचे आपको RVM कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और ये देखिए ये आपको लिड्स मिल जाते हैं, मतलब ओपन करने के लिए लीवर, और ये पता नहीं काहे के लिए पता नहीं। ये सेकंड बेस वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको की लगाने के लिए जगह मिलेगी इग्निशन के लिए, और ऐसा है कुछ स्टेयरिंग व्हील जो कि लेदर रैप्ड है, दैट इज़ ऑल्सो कूल। मतलब सेकंड बेस वेरिएंट में भी भाई आपको लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको। MG का बड़ा सा लोगो हो गया जो कि 3D है, इसमें भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं रखी गई है, और यहाँ पर क्रोम इंसर्ट देखने को मिल जाता है। ये कंट्रोल्स जो है एक साइड होंगे आपके इंफोटेनमेंट के, एक साइड होंगे MID के, और चलो इसको ऑन कर लेते हैं। और ऐसी कुछ आपको की मिलती है, ये आप देख सकते हैं की भी काफ़ी बढ़िया है, MG का लोगो हो गया 3D में, और ये लगा देते हैं इसके अंदर, और ये ऑन हो गया, रोड्स टू लाइफ स्वाइप हो गए, और इसको कर देते हैं तो ये सब ऑफ कर दिया। तो इसमें दो डायल मिल जाते हैं, एक में स्पीडोमीटर है और एक में आपका RPM मीटर मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं, सारे इंडिकेशन मिल जाते हैं। छोटी सी MID डिस्प्ले दी गई है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे एक्यूमुलेटेड टोटल, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, बैटरी वोल्टेज, रनिंग करंट स्पीड, रेंज टू MT दिखा रहा है, और करंट जर्नी, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, और ये सारे इंडिकेशन मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आपको सीट बेल्ट के इंडिकेशन, फ्यूल और फ्यूल गेज और हाई टेम्परेचर मीटर वगैरह सब आपको देखने को मिल जाएगा, तो दैट इज़ ऑल्सो कूल। यहाँ पर आपको जो है ये क्या मिलता है, ये है सैटन ग्रे फिनिश में आपको कुछ आउटलाइन मिल जाती है, दैट इज़ ऑल्सो कूल। यहाँ पर लाइट के कंट्रोल्स और इंडिकेटर के कंट्रोल हैं, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं वाइपर के कंट्रोल, दैट इज़ कूल, ठीक है। और ठीक है वाइपर, ये पीछे वाला वाइपर ऑन था तो वही कंफ्यूजन हो गया कि कहाँ से चल रहा है, आवाज़ आ रही है। तो ये स्टेयरिंग व्हील काफ़ी बढ़िया रोबस्ट फील करता है। 10.1 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, और यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल और वेंट्स काफ़ी नाइसली इंटीग्रेटेड है, और ये हजार्ड लाइट का ऑप्शन मिल जाता है,
तो ये देखिए, ये सॉफ्ट टच मटेरियल है और ये है 10 इंच का स्क्रीन। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले देखने को मिल जाता है। और ये है, हेलो MG, तो इसमें अभी वो कंट्रोल्स नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, जैसे ये होम के लिए इधर बटन दे रखा है डेडिकेटेड, उससे जाएंगे। और ये वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये सब। नीचे करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये देखिए, ऑन ऑफ, ब्लोअर ऑन ऑफ के लिए, और डिफॉगर के लिए, रियर फ्रंट डिफॉगर के लिए, टेम्परेचर मीटर हो गया। और नीचे आपको देखने को मिलेगा 12 वोल्ट का सॉकेट, जिसमें आपको ये लाइटर प्लेसमेंट के लिए, और एक मीडिया के लिए पोर्ट है, और एक चार्जिंग के लिए। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पर दो डबिंग बटन है, और यहाँ पर कार्बन फाइबर फिनिश दी गई है। यहाँ पर भी सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है, यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर पकड़ने के लिए है, तो दैट इज़ ऑल्सो कूल। यहाँ पर है आपका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। ये शिफ्टिंग जो है काफ़ी सॉफ्ट है, ये आप देख सकते हैं, परफोरेटेड लेदर लगा हुआ है इसमें। यहाँ पर कुछ जगह मिल जाती है जिसमें आप की रख पाएंगे। मैनुअल आपको हैंडब्रेक मिल जाता है, सॉफ्ट टच मटेरियल हैंड्रेस के साथ देखने को मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। कुछ स्पेस दी गई है जिसमें रैटलिंग साउंड नहीं आने वाली है, ये ऐसा कुछ यूज़ किया गया मटेरियल। और अंदर देखेंगे तो यहाँ पर डिसेंट सी मतलब स्पेस दी गई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और ऐसा कुछ है। ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पर वैनिटी मिरर नहीं देखने को मिलने वाला है। मैनुअली एडजस्टेड IRVM है, सेकेंड पैसेंजर के लिए अगर ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो वो भी ऑन ऑफ हो जाएगा। और ये लाइट्स है, रीडिंग लाइट्स, या माइक प्लेसमेंट यहाँ रखी गई है, और यहाँ पर भी आपको वैनिटी मिरर देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा कुछ था गाड़ी का अंदर का इंटीरियर। और तो और बात करी जाए गाड़ी की, तो ये कि ये गाड़ी जो राइवल करती है, वो करती है किया की सेल्टोस को, ह्युंडई क्रेटा को, फॉक्सवैगन टाइगून को, और स्कोडा की जो कुशाक आती है उसको। तो आप मेरे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद है इस मिड साइज SUV के सेगमेंट में। और मेरे को ये भी बताइएगा आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, मतलब जो मैंने आपसे पहले ही बोला कि कौन सी गाड़ी पसंद है, कमेंट्स करके बताइएगा। और मेरे को ये बताइए कंपैरिजन किसके साथ चाहते हैं, वो भी मैं आपको लाकर दे दूंगा। लेकिन अगर क्वालिटी की बात करी जाए तो भाई MG की गाड़ियों में क्वालिटी की कोई कमी नहीं है। बस ये है कि थोड़ी अगर किसी ने कुछ बनाया है तो वो बनाया है कि ये चाइनीज़ कंपनी है, और उसके अलावा इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब चीज़ अच्छी है। ये भी कुछ एल्यूमिनियम फिनिश में, मतलब अंदर बैठेंगे तो आपको देखिए कितनी प्रीमियम गाड़ी है। तो कंपटीशन ये अच्छे खासी कंपनियों को देने में लगी हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आपको क्या करना है, शेयर करना है अपना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग द ऑटो स्टूडियो, बाय बाय, टेक केयर।